एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से, जहां प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सतपाल अंतिल ने परिवार के साथ किया होली का दहन, अधीनस्थ रहे मौजूद। एसपी सतपाल अंतिल ने जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपील किया है कि लोग सौहार्दपूर्वक और शांतिपूर्वक होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाएं। ग्लोबल भारत परिवार की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं होली के त्यौहार के दृष्टिगत प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी की जा रही है। लगातार पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां शराब के ठेके से हुई 40,000 रुपए की देसी शराब की चोरी, मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल यह तस्वीर देहात कोतवाली इलाके के भूपिया मऊ की है, जहां शराब के ठेके पर चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है करीब 40,000 रुपए की शराब चोरी करने के बाद चोर फरार हो गए। छेदमारी कर यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात चोरों ने सेंधमारी करके इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, और जब सुबह कर्मचारी ठेके को खोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस के आला अफसर मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने का शराब के ठेकेदार को आश्वासन दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां चैती सिंह का पूर्वा गांव में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 31 लोगों पर दर्ज किया FIR, शुरू किया मामले की जांच। दरअसल कुंडा कोतवाली के चैती सिंह का पुरवा लहू निवासी रामसूरत को 22 मार्च की शाम करीब 6 बजे खेत में मवेशी जाने के विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। बीच बचाव के दौरान उनके परिवार वालों की भी पिटाई हुई, इसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के ही ब्रिजेश यादव, उसके दादा अजय यादव, अवधेश, विनय, भुवनेश्वर, शिवम, रोहित, ज्ञानचंद, राम प्रसाद, राकेश, तूफान, आशीष समेत कुल 31 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां भगवा चुंगी के निःशुल्क स्टडी सेंटर पर पहुंचे डॉक्टरों ने बच्चों संग मनाई होली का त्यौहार, पार्टी खुशियां। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के भगवा चुंगी की है, जहां निःशुल्क स्टडी सेंटर बच्चा बैंक फ्रेंड्स ग्रुप के कार्यक्रम में डॉक्टर सोनीलाल पटेल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शिरकत किया। इस दौरान जरूरतमंद छात्रों संग उन्होंने होली खेलकर खुशियों को साझा किया और छात्रों को पिचकारी, गुलाल, गुजिया और रंग उपहार में भेंट की। बच्चों ने होली गाने पर नृत्य भी प्रस्तुत किया, एक दूसरे को भी लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। सेंटर के प्रिंसिपल सनी सरोज ने बताया कि यह कार्यक्रम डॉक्टर मनोज खत्री, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार, राजकुमार मोदनलाल के सहयोग से संपन्न हुआ। उन्होंने बच्चों से अपील किया कि वह पेंट, कीचड़ इत्यादि से होली न खेलें। कार्यक्रम का संचालन ग्रुप की छात्रा लाजू विश्वकर्मा ने किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्धजनों के संग मनाया गया होली का त्यौहार, दिया गया उपहार। दरअसल यह तस्वीर प्रतापगढ़ के मोहली स्थित वृद्धा आश्रम की है, जहां एलायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर और समाजसेवी रोशन लाल उमर बैस पहुंचे। उन्होंने वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग दादा दादी के साथ होली का पर्व मनाया और होली के समस्त उपहार देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान वृद्ध शिव बाबू ने होली गीत गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। समाज सेवी रोशन लाल उमर बैस ने कहा कि अपनों के सताए हुए वृद्ध दादा दादी को भी होली की कमी न महसूस हो, इसके लिए सभी के साथ होली की खुशियां साझा करते हुए उन्हें गर्व और वह भाग्यशाली महसूस करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां होली पर्व के दृष्टिगत माँ बेली देवीधाम रेलवे स्टेशन पर किया गया विशेष चेकिंग। इस चेकिंग अभियान के तहत ट्रेनों और प्लेटफार्म पर की गई चेकिंग। दरअसल होली पर्व के दृष्टिगत रविवार को माँ बेली देवीधाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में रेलवे पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और यात्रियों की जो यात्रा है वह सरल सुगम हो, इसके लिए उन्हें आवश्यक जानकारी भी दी गई। इस दौरान ट्रेनों में और प्लेटफार्मों के अलावा सर्कुलेटिंग एरिया को भी चिन्हित किया गया और वहाँ पर पहुँचे रेल विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा चेकिंग चलाकर रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया।